हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमन। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कंटिन्यूस ग्रो कर रही है और फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे आते हैं और डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा देती है। तो इसके अभी फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी आए हैं, प्लस इस कंपनी ने 95 रुपीज़ का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। तो इसी के बारे में जानेंगे अगर आपके पास इस कंपनी के स्टॉक है तो आप देख सकते हैं 2014-15 में 1600-1700 के ऊपर ये स्टॉक चलता था और 4000-3500 के भी ऊपर ये स्टॉक गया। और अब अगर आप देखेंगे तो फिर वही 3000 के ऊपर ही ये स्टॉक चल रहा है। काफ़ी कंटिन्यूस एक स्टेबल ग्रोथ इस स्टॉक के अंदर दिखाई दे रही है और इसका 52 वीक लो देखेंगे तो 2470 का है और हाई 3675। और ये अगर आप देखेंगे 3400 के करीब इसकी क्लोजिंग थी VST इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो इसका अगर आप देखेंगे तो 5300 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, 10 रुपये का फेस वैल्यू है और डिविडेंड भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बेहतर डिक्लेयर किया है इस कंपनी ने। इसके अगर आप फाइनेंशियल्स देखेंगे तो 283 करोड़ का टोटल इनकम रहा मार्च क्वार्टर के अंदर और दिसंबर में 303 करोड़, जो कि थोड़ा सा डाउन हुआ है। और इसका अगर आप नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो 53 करोड़ का रहा है लास्ट क्वार्टर में, 55, क्योंकि 2 करोड़ का ही थोड़ा फर्क रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यू काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रही है और एवरी ईयर कंपनी डिविडेंड भी देते आई है। अगर आपके पास स्टॉक है तो आपको पता ही होगा कितना अच्छा डिविडेंड दे रही है। 2018 में 7.75% का डिविडेंड दिया था, लगभग 77 रुपीज़ का, और इस बार काफ़ी अच्छा डिविडेंड दिया लगभग 9.50% का, जो कि 95 रुपीज़ के करीब होता है। तो इसका मैं लेटर भी आपको दिखाता हूँ ताकि आपको भी आइडिया आ सके। तो ये आप देख सकते हैं 95 रुपीज़ का जो है कंपनी ने रिकमेंड किया है और ये विद इन 30 डेज़ फ्रॉम द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर, जब इनकी AGM होगी वहाँ से 30 डेज़ के अंदर जो है डिस्पैच कर दिया जाएगा। तो इसका जो रिकॉर्ड डेट रहने वाला है वो बुक क्लोजर डेट है, जो कि आपको कुछ दिन बाद पता चल जाएगा। लगभग जो एनुअल जनरल मीटिंग रहती है उसी के दौरान बुक क्लोजर डेट रहती है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। जब इनकी एनुअल जनरल मीटिंग होगी वहाँ पर ही बुक क्लोजर डेट है, वो आपको ध्यान में रखना है। उससे पहले आपको स्टॉक डीमैट अकाउंट में होना ज़रूरी है अगर आपको एलिजिबल रहना है डिविडेंड के लिए। तो आज इसी के बारे में बोलना था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए, थैंक यू।